नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं News 21 TV एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं आदेश यादव जी के पास, जो कि युवा मोर्चा फरीदाबाद भाजपा के मंत्री हैं और पूर्व में कई जिम्मेवारियां भाजपा में निभा चुके हैं। अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कहते हैं कि हमें 9 वर्ष हो गए सफल का हमने जन कल्याणकारी नीतियाँ लेकर के आए हैं। इसी संदर्भ में हम इनसे जान लेते हैं, क्योंकि एक शिक्षाविद भी हैं और कई अन्य अन्य तरीके की गतिविधियों में रहते हैं जो सामाजिक तौर पर होती है। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आप 9 वर्ष भाजपा के केंद्र और प्रदेश में? जी, सबसे पहले आपका नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पहुँचे। और जैसा कि आप काफ़ी समय से हमारा लगातार इसी मैटर पे कि 9 साल जो हमारे भाजपा सरकार को जो हुआ है, जो कार्यकाल पूरा हुआ है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में जो भी कार्य करे हैं, वो हम उसी संदर्भ में सभी से साथ जाके, सभी से रूबरू होके महासंपर्क अभियान भी चले, हमारे बाइक रैली भी हुई हमारी, कंटिन्यू 1 महीने तक हमारा संपर्क अभियान सबसे चलता रहा। और इसी कड़ी में लगातार हमारे, जैसे हमारे प्रिय सांसद हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी लगातार टिफिन बैठक भी कर रहे हैं, महासंपर्क अभियान भी कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और डेली उनकी कहीं ना कहीं मीटिंग भी चल रही हैं। और 9 साल में हमारी भाजपा सरकार ने, हमारे परम आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी ने जो कार्यकाल में जो काम किए, जैसा आपको पता होगा धारा 370 जो एक काफ़ी समय से एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता आ रहा था, जिस मुद्दे के तहत भाजपा ने ही एक ऐसी सरकार है जो एकजुट होकर धारा 370 को हटाने का काम किया। जो लोग कहते थे धारा 370 कभी नहीं हटेगी, वो काम हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। अगर आपसे मैं प्रदेश की बात करूँ, प्रदेश के बाद जिले की बात करें जी, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों को कम से कम पता चले कि हमारे जिला फरीदाबाद में क्या प्रमुख कार्य हुए। हमारे जिला फरीदाबाद में आप देख रहे हैं हमारे प्रिय सांसद हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने बहुत काम करवाए हैं और कामों की कोई कमी नहीं रही है। जैसे कि आप देखोगे कि अभी बॉम्बे एक्सप्रेसवे, जो हमारा इतना बड़ा बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसको पहले दिल्ली से गुड़गांव होते हुए इसको निकाल रहे थे, जो हमारे प्रिय सांसद जी की वजह से इसको हमारे फरीदाबाद शहर के से निकाल के यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी दी गई है। और भी इसी कड़ी में जैसे सामुदायिक भवन बनवाए हैं काफ़ी अभी मंत्री जी ने, और भी काफ़ी लगातार काम चल रहे हैं। और अभी जैसे बाढ़ के आई हुई है बाढ़ क्षेत्र में, डेली मोदी हमारे सांसद जी वहाँ पहुँच रहे हैं, डेली दौरा भी ले रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल भी रहे हैं। आदेश जी, सवाल आपसे यह है कि आप निगम और विधानसभा की राजनीति करते हैं, ठीक है जी, तो निगम के चुनाव नहीं करवा पा रही सरकार जी, कोई ना कोई कारण आ जाता है, 1.5 वर्ष के लगभग ज़्यादा समय हो गया है जी जी, अब विधानसभा चुनाव को लगभग 1.25 वर्ष बचा है जी, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ठीक है, निगम चुनाव ये तो जी चुनाव के आयोग के हाथ में है, ये कोई डिसीजन जो लेते हैं, कोई कमियां रह जाती हैं तो उन्हें पूरी भी करी जाती है। उसी कड़ी में वो चल रहा है कार्य उस पर भी, और बहुत ही जल्दी निगम के चुनाव होने वाले हैं। और अभी 20 तारीख तक मैप भी हमारा बन के चला गया है, जो लास्ट डेट थी वो पहुँच चुका है वहाँ पर मैप जी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे अभी अक्टूबर में, 8 अक्टूबर से पहले ये चुनाव होने की पूरी संभावना भी है जी। चलिए, कोई संदेश से कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, अब मैं आपको एक दो और चीज़ें बताऊं, जैसे कि फैमिली आईडी में आप सहसंयोजक के रूप में या एक कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं, फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं को दूर करने को लेकर जी जी, प्रॉपर्टी आईडियों से समस्याओं को दूर करने में जी जी, आमतौर पर बहुत समस्याएँ देखने को मिलेंगी आपको। आप निगम में चले जाइए, प्रॉपर्टी आईडी देखी जाएंगी आपको, EDC ऑफिस चले जाइए, SDM ऑफिस चले जाए तो वहाँ पर आपको इनकम प्रूफ और फैमिली आईडी संबंधित समस्याएँ मिलेंगी। इस पर कब तक समस्या का समाधान होना है? देखिए, सब चीज़ों पे काम चल रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं प्रॉपर्टी अभियान से आप कैसे जुड़े हैं, आप अपने को परिचय भी देना चाहते हैं इसके साथ? इस अभियान से ये हमें जिम्मेवारी मिली थी, हमारे बड़े भाई हैं परम आदरणीय सतीश खोला जी, वो इसके संयोजक हैं, पूरे प्रदेश के संयोजक हैं, सेवा प्रकोष्ठ का काम उनके पास ही है, जिसके तहत ये परिवार पहचान पत्र का कार्य भी उन्हीं के पास है। और इसमें भाई साहब ने काफ़ी समय से, लगभग पिछले 8-9 महीने से इसी पे कार्य कर रहे हैं वो, और जो हमारी कमियां, जो कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां थी वो अपडेट भी करी गई हैं, उनमें सुधार हो गया है और बराबर निरंतर काम चल रहा है उनके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। वेरिफिकेशन हो रही है परिवार पहचान पत्र की, इनकम की आप बता रहे हैं, इनकम प्रूफ की वेरीफाई करने के लिए हमने गवर्नमेंट टीचरों को उनकी ड्यूटी जिम्मेवारी लगाई हुई है, तो सब उन पर काम चल रहा है। और पब्लिक, आपको पता है कि हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है, तो सब कामों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम धीरे धीरे अपने रफ्तार पे आ चुका है। चलिए, अंत में कोई कुछ कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए और अपने प्रतिनिधियों के लिए? जी जी, मैं जनता के लिए सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि सभी को मेरा नमस्कार। और
जैसे कि आप निगम के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो मैं निगम के लिए भी मैं अपने फरीदाबाद वासियों से, शहर वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत, बहुत जल्दी चुनाव हो रहे हैं, सरकार इस पर कार्य भी कर रही है और आप जितना पेशेंस दिखाएंगे काम उतने अच्छे से होगा और बहुत जल्दी आपके दोबारा से निगम के पार्षद आपके बीच में आपके साथ रहेंगे। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आदेश यादव जुड़े हुए थे इस समय, देखिए डायरेक्टर हैं केडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के, दूसरा महामंत्री हैं युवा मोर्चा भाजपा फरीदाबाद में और कई अन्य पदों पर कई अन्य तरीके से भाजपा में कार्य कर चुके हैं। आदेश यादव को आपने सुना, विस्तार से उन्होंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि चुनाव भी संभावित है कि अक्टूबर में हो जाए, ऐसा इनका कहना है। चलिए हम भी यही चाहते हैं कि चुनाव जितना जल्दी होंगे उतना ही लोगों को सहूलियत मिलना शुरुआत जल्दी हो जाएगी। आप सभी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।